नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना 2024 जो कि यहाँ पर अपडेट आ चुकी है, यदि आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक या टीचर बनना चाहते हैं तो विद्या संबल योजना 2024 आपके लिए है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अपडेट और आई है आज के न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये जो विद्या संबल योजना 2024 यहाँ पर निकली गई है, वैसे दोस्तों ये 2023 में भी निकली थी, उसके अंदर जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को जो नई सरकार बनी है इन्होंने चेंज कर दिया है। वो क्या क्या नियम थे, क्या क्या चेंज हुआ है जिससे विद्यार्थी खुश नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो वो क्या क्या यहाँ पर जो नियम है वो चेंज हुए हैं, ये इस न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत सारी कॉलेजों ने दोस्तों यहाँ पर आवेदन भी मांग लिए हैं, तो वो कौन कौन सी कॉलेज हैं जिन्होंने आवेदन मांगे हैं, वैसे दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर एक या दो कॉलेजों का नाम यहाँ पर लिया गया है, लेकिन आप भी यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर 303 कॉलेज ऐसी हैं जिनके अंदर यहाँ पर आवेदन मांगे जाने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट इस प्रकार से है। तो अपडेट दोस्तों आपके सामने है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि नई सरकार के आदेशों से जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है। 45,000 मासिक अधिकतम भुगतान मिलता था, अब 50 कालांश फड़ाने होंगे। विद्या संबल योजना के नियम बदल चुके हैं। सहायक आचार्य असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं अब अधिकतम 24 सप्ताह ही फड़ा सकेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ओनली फॉर उनको 24 सप्ताह फड़ाने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि पिछले जो नियम थे उनके अंदर पूरी साल उनको फड़ाने के लिए दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग एक तरीके से 6 महीने की एक तरीके से फड़ाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो नाराज़ यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं एक एक लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूँ, देखिए, और कौन सी कॉलेज के अंदर यहाँ पर आवेदन मांगे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अजमेर सहित प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत आचार्य जो सहायक आचार्य है वो अधिकतम 24 सप्ताह ही पढ़ा सकेंगे। नए आदेशों के तहत सरकारी कॉलेजों द्वारा इस योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। नई सरकार के आदेशों से अभ्यर्थी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के चलते स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए पहले वाली सरकार की तर्ज पर इस बार भी विद्या संबल योजना के तहत डेली वेजेज पर शिक्षक लगाए जाएंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से जारी नए आदेशों की अतिथि शिक्षकों के कार्य दिवस सीमित कर दिए गए हैं। अब पूरे साल या सत्र की जगह अधिकतम उनको 24 सप्ताह या फिर अधिकतम 14 साप्ताहिक जो घंटे होते हैं या फिर 28 फरवरी से पहले जो भी पहले होगा तक ही कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसके बारे में ये दोस्तों विद्या संबल योजना की चौथे नंबर की वीडियो है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दी, उनके अंदर बड़ी डिटेल्स के साथ मैं नई नई अपडेट जो है उनमें बताते रहता हूँ, तो उनको भी आप देख लेना। और वैसे ये वीडियो भी आप ही के लिए है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे 24 सप्ताह हो गए, अधिकतम 24 साप्ताहिक घंटे हो गए, 28 फरवरी हो गए, इसका क्या मतलब है वो मैंने उन वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है विद्या संबल योजना की, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, किस प्रकार से करनी है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख लेना। यदि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अतिथि शिक्षक का मतलब होगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो शिक्षक आएंगे वो, उनको भुगतान 50 कालांश पूर्ण होने पर ही किया जाना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अतिथि शिक्षक अर्थात गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो शिक्षक आएंगे उनकी नियुक्ति पूरे एक एकेडमिक सेशन यानी जुलाई से लेकर जून तक के लिए होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ओनली 6 महीने के लिए उनको फड़ाना होगा, अर्थात 24 सप्ताह के लिए फड़ाना होगा। इस प्रकार से नियम यहाँ पर चेंज किए गए हैं, इस वजह से दोस्तों विद्यार्थी नाखुश नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पिछली सरकार में 45,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, पिछली सरकार द्वारा विद्या संबल योजना में अतिथि शिक्षकों के लिए कोई कार्य दिवस निर्धारित नहीं थे, प्रति कालांश के हिसाब से अधिकतम महीने के 45,000 रुपये उनको दिए जाते थे, अर्थात महीने के 45,000 रुपये उनको दिया जाता था। 50 कालांश पूर्ण होने पर ही भुगतान जैसी कोई शर्त वहाँ पर नहीं थी, कुल कालांश के हिसाब से मासिक भुगतान ट्रेजरी द्वारा किया जाता था, प्राचार्य द्वारा ही एक बार ही आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए जाते थे। अब कौन कौन से सुझाव यहाँ पर दिए गए वो देखिए,
आयुक्तालय को एक सेंट्रलाइज पोर्टल विकसित करना चाहिए, अर्थात एक ऐसी वेबसाइट उनको बनानी चाहिए ताकि विद्यार्थी घर बैठे ही आवेदन कर सके, बार बार कॉलेजों में जाकर वहाँ पर प्रिंसिपल को फॉर्म जमा कराने नहीं पड़े। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर किस प्रकार से जमा कराएं, तो प्रोसेस क्या है, जिस भी कॉलेज के अंदर जिस भी पद के लिए पोस्ट खाली है तो आप वहाँ पर जाकर अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर जमा करा सकते हैं। लेकिन सुझाव क्या दिया गया है फिलहाल, अभी दोस्तों और भी अपडेट आ सकती है, हो सकता है एक साइट लॉन्च कर दे जहाँ पर आप आवेदन कर सके, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है अभी सुझाव दिए गए हैं। इस पोर्टल पर पूरे राजस्थान के कॉलेजों में विषयवार रिक्त पदों का विवरण भी जारी हो, पोर्टल पर ही रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएं, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जाए, ये यहाँ पर जो है कहा गया है। अब कौन कौन सी कॉलेजों ने यहाँ पर आवेदन मांगे, देखिए लिखा हुआ है विभिन्न कॉलेजों ने मांगे आवेदन। इस योजना के तहत अब कॉलेजों में रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगना शुरू कर दिया गया है। सरवाड़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी, भूगोल, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित के एक एक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालय बोराड़ा में हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान और संस्कृत के एक एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फिलहाल अजमेर की, राजस्थान के जो अजमेर ज़िला है वहाँ से ये अपडेट आई है और वहीं की ये दो कॉलेजों का नाम यहाँ पर लिया गया है। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो रोज़ाना आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपरों के अंदर जो है वहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेना और इससे संबंधित जो है अपडेट आती रहती है, तो आप न्यूज़पेपर को ज़रूर देखें। वहाँ पर जो है जिस भी कॉलेज के लिए आवेदन मांगे जाएंगे वो आप वहाँ पर चेक कर लेना, क्योंकि दोस्तों लगभग यहाँ पर अब 50 ज़िले हो चुके हैं, तो जितने भी न्यूज़ आएगी तो सबकी पर्सनल जो है न्यूज़ मैं यहाँ पर बना नहीं सकता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं न्यूज़ पोस्ट करता रहता हूँ और वैसे बीच बीच में इस तरीके की जो अपडेट है मैं डालता रहता हूँ, इससे आप समझ जाना। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, यदि आपको शिक्षक बनना है गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो वहाँ पर आपको अपने ज़िले के अंदर जितने भी कॉलेजेस के अंदर रिक्त पद हैं उसकी सूचना आपको न्यूज़पेपर के अंदर दे दी जाएगी और जो भी अपडेट होगी कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सब वहीं पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों फिलहाल ये प्रोसेस है, जिस भी कॉलेज के अंदर सीट वगैरह खाली है वहाँ जाकर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप उनसे जो है कंसल्ट करके वहाँ पर पूछ सकते हैं और वहीं पर जमा करा सकते हैं। फिलहाल ये जो है एक अपडेट है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पिछली वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।